अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। तो आज का जो हमारा व्लॉग है वो है केराटिन। बालों में जो है हम केराटिन कैसे करते हैं, उसका क्या प्रोसेस होता है। केराटिन बेसिकली एक तरह से डीप प्रोटीन ट्रीटमेंट होता है जो हम बालों में जो है पेनेट्रेट करते हैं। इससे बालों के पोर्स खुलते हैं, वो अंदर जाके डिपॉजिट होता है और इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो आज जो है हम कर रहे हैं केराटिन। केराटिन बेसिकली बालों को स्ट्रेट नहीं करता। जिन लोगों को लगता है कि केराटिन बालों को स्ट्रेट करता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। केराटिन बालों को स्ट्रेट नहीं करता। केराटिन एक तरह से डीप प्रोटीन ट्रीटमेंट है। ये आपके बालों में जो फ्रिजनेस आती है, जो खुलापन होता है, आप कलर करवाते हैं, बाल ड्राई डैमेज की तरफ जाते हैं, तो ये उनको रिपेयर करता है। तो चले मेरे साथ, इसका क्या प्रोसेस है वो हम आपको दिखाएंगे। मैंने अभी क्लाइंट का जो फर्स्ट वॉश है वो कर लिया है, सेकंड वॉश मैं कर रही हूँ उनका। तो मैं प्रोडक्ट आपको दिखा देती हूँ, मैं क्या यूज़ कर रही हूँ और उसका क्या प्रोसेस है। चले मेरे साथ। ये है सॉल्यूशन डीप क्लींस शैम्पू। सबसे पहले मैंने ये किया और अभी से मैंने थोड़े से टाइम के लिए छोड़ दिया। अब वॉश के बाद जो है मैं इनके बाल टॉवल ड्राई करूंगी। टॉवल ड्राई करने के बालों में जो ट्रीटमेंट अप्लाई करते हैं वो अप्लाई करूंगी और साथ साथ मैं प्रोसेस आपको दिखाती रहूँगी। बालों को लगा चुकी हूँ, उसको मैंने तकरीबन 40-45 मिनट के लिए जो है वो क्लाइंट के बालों पे अभी छोड़ रही हूँ। जब प्रोटीन उसका टाइम हो जाएगा फिर हम वो ही ट्रीटमेंट जो प्रोडक्ट हमने बालों को लगाया हुआ है वो बालों में ड्राई करेंगे, ब्लो ड्राई करेंगे, देन आयरन करेंगे। प्रोसेस साथ साथ आपको दिखाती रहूँगी। टाइम कम्प्लीट हो गया, हमने इसको 45 मिनट तक जो है वो छोड़ा था। मैं दिखा देती हूँ आपको, अब मैं इसको ड्राई कर रही हूँ। ड्राई करने के बाद मैं इसको ब्लो ड्राई करूँगी, ब्लो ड्राई करने के बाद मैं इसको आयरन करूँगी। तो चले मेरे साथ, अब इसको ड्राई कर दूँगी। तो आयरन जो है वो हमने कंप्लीट कर लिया। मेरे मोबाइल की बैटरी लो थी जिसकी वजह से पूरा आयरन मैं दिखा नहीं सकी। तो आयरन हमारा पूरा जो है वो कंप्लीट हो गया। मैं आपको चेक करवाती हूँ, ये देखिए
केराटिन के साथ हमारा जो कलर है वो भी थोड़ा लिफ्ट होता है, एक से दो टोन जो है वो कलर लिफ्ट होता है। तो अभी इनके बालों का ये टेक्सचर है, आप इसका सेम डे भी वॉश कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा बेटर ये है कि आप एक दिन छोड़ के वॉश करें। तो मैं जो है वो एक दिन छोड़ कर ही वॉश करती हूँ। ये है इनके हेयर्स, कैसा लगा आप सबको मुझे कमेंट्स में बताइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपको कोई डिटेल चाहिए हो तो मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं उस पर आपको रिप्लाई भी करूँगी। और ये था हमारा आज का केराटिन। हाफिज़।